ग्लोई स्किन किसे पसंद नहीं है, दैट्स टू एट द एज ऑफ 40+। चलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से कैसे मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ एंड क्या क्या मेकअप प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, आज मैं आप लोगों को वो बताऊँगी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1। इसके लिए हमें सबसे पहले प्लम फेस वॉश से अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर लेना होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस वीडियो में। आप लोग इस तरह से कीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेगा। देखिए मेरी स्किन कितनी अच्छी क्लीन हो गई है। बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। इसके बाद हम मामा अर्थ के उपटन फेस मास्क को अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे और इसे 15 मिनट्स ड्राई करने के लिए रख देंगे। और ये क्रीम जो है ये एंटी एजिंग से बचाती है और ये स्किन को भी ब्राइटन करती है। सो फ्रेंड्स, जब तक मेरी फेस मास्क यहाँ पे ड्राई हो रही है तब तक मैं यहाँ रिवोनो के स्ट्रॉबेरी लिप स्क्रब को यूज़ कर रही हूँ। ये स्टेप नंबर 3। और ये भी बता दूँ आपको कि ये 2 फ्लेवर की आती है, एक है स्ट्रॉबेरी और एक है चॉकलेट की। मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वाली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि पहले भी यूज़ की हूँ। ये बहुत अच्छी स्क्रब है, ये लिप्स को बहुत अच्छा लुक देता है। ये क्लीन तो करती है ही, साथ साथ लाइटन एंड ब्राइटन भी करती है लिप्स को और एक ग्लोई जैसा फील होती है, बहुत स्मूथ हो जाती है इस लिप्स। चलो अब मैं अपने फेस को भी वॉश कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। और ये देखिए मेरे फेस बिल्कुल क्लीन हो गई आफ्टर वॉशिंग। सो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 4 पे मैं जाती हूँ और यहाँ भी मैं एक प्लम के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिसका नाम है प्लम बी गुड। और इसमें है कैमोमाइल एंड वाइट टी और ये भी एक फेस मास्क है। इसको लगाने के बाद आपको एक इंस्टेंट ग्लो लगती है फेस पे और एक स्मूथ सा फीलिंग आता है और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट क्रीम है ये। चलो मैं इसको लगा के 15 मिनट्स के लिए रख देती हूँ, उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी। इट स्मूथेंस माई स्किन। नाउ आई एम गोइंग टू गिव अ फाइनल लुक टू माई स्किन एंड आई एम यूजिंग अ मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर फ्रॉम प्लम। इट कंटेन्स ग्रीन टी और ये भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और इसकी जो टेक्सचर है ये थोड़ी सी फ्लोई है और इसको लगाने के बाद ही बहुत अच्छा एक सूदिंग सा फीलिंग आती है और स्मूथ हो जाती है स्किन भी। सिंस आई वॉन्ट टू कीप माई लुक सिंपल एंड एलिगेंट, सो आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ फाउंडेशन और कम्पैक्ट ऑन माई स्किन। अब फाइनल टचअप के लिए थोड़ी बहुत मेकअप कर लेती हूँ जिससे लुक बहुत अच्छा से उभर के आएंगी। चलो हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ मैं अपनी चॉइस की। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ आई लाइनर फ्रॉम मिनीसो। ये देखिए मेरे पास ये 4 कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये काफ़ी सस्ती भी है और अच्छी भी है ये। ये देखिए इसको मैंने पर पीसेस खरीदी है 150 रुपये में और ये बहुत अच्छी ब्रांड भी है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छी है ये। तो मैं इसमें से सोच रही हूँ कि ब्लैक लगाऊँ या ब्लू, तो मेरा मन जा रहा है इस ब्लू पे, तो आज मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इन चारों शेड्स को। ये देखिए ये चारों कितनी अच्छी कलर है ये। और ख़ास बात इसकी ये है कि ये स्मच प्रूफ है और इजी एप्लीकेबल है ये बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग करती है, बहुत ही अच्छी है ये। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग इज़ दैट ये बहुत ही चीप है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है बट दो बहुत ही ज़्यादा चीप है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैं ये आज ये अप्लाई करने वाली है ब्लू कलर। देखिए इसकी ब्रश। सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है इसलिए मैं बहुत सिंपल की हूँ। और 40+ एज में कैसे मेकअप करना चाहिए मैंने आप लोगों को आज दिखा दिया है, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छी लगेगी। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करना, बताना। एक सजेशन देना चाहूँगी, आप लोग बहुत सारे पानी पियो क्योंकि ग्लो अंदर से आती है। ये तो सिर्फ दिखाने का लुक है और मेकअप जो है वो तभी खुल के आती है जब आपकी ग्लो अंदर से हो, ग्लैमर अंदर से हो तभी।